नमस्कार कस्टमर्स, पॉकेट टू में ब्लॉक डी एंड सी, जिसमें सी ब्लॉक में हमारे पास 10 से 20 और डी ब्लॉक में 1 से 18 नंबर के प्लॉट्स हैं, वहाँ पे मैं आया हूँ। वाटर फ्रंट जो पार्क है उस साइड पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो यहाँ पे साइड पे रिचार्ज पिट अभी भी बना, ये रिचार्ज पिट पेंडिंग रह गया था पहले, बाकी पार्क्स में ऑलरेडी बना हुआ था। तो जस्ट टू रिवाइज योर मेमोरी, इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये रिचार्ज पिट होता क्या है। ये देखिए, रिचार्ज पिट जो है ये बिल्कुल कुएं की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, जो कि पार्क में होता है, हर पार्क में हमने बनाया हुआ है। और इसके साथ एक सब्सिडरी एक और है, मैं देख सकता हूँ, ये देखिए ये चैम्बर है। तो संजय जी आज भी मेरे साथ हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट। अब सर, अब इसमें बताइए आपकी चीज़ है, कैसे इसमें कैसे पानी आएगा, क्या इसका यूज़ है सर? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा जो बरसात का पानी रोड पे आता है, घरों में आता है जी, वो हमारे उस चैम्बर जो सामने प्लाट के बने हैं वहाँ आएंगे पानी। अच्छा, उस अच्छा। रोड का, वो रोड का भी पानी उस चैम्बर में ही जाएगा, उसके बाद वो चैम्बर से पानी हमारे सारे ये चैम्बर, ये जो आएंगे डिसल्टिंग चैम्बर होते हैं, इसमें आते हैं, इसमें आएगा, इसमें से हमारे रिचार्ज पिट में आता है। ये रिचार्ज पिट में हमारे ये लगभग जो कैपेसिटी का होता है उसमें हमारे ग्रेबल्स रहते हैं, सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, वो पानी हमारे फिर अंडरग्राउंड पानी ज़मीन में चला जाता है, वहाँ से रिचार्ज होकर फिर हमको रीयूज हम करते हैं अपने पानी दूसरे पर्पज़ से, जो गार्डनिंग वगैरह पर्पज़ से करते रहते हैं। अच्छा, तो ये है कि बरसात का पानी जो हमारा वेस्टेज होता है उसको बचाने के लिए कि कैसे हम उस पानी को ज़मीन के अंदर फिर से ट्रांसफ़र कर दें, कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहे, उसके पर्पज़ से ये गवर्नमेंट की एक मैंडेटरी है कि आपको हर टाउनशिप में ये चीजें प्रोवाइड करनी है। आजकल मैंडेटरी कर दी गई है और हम लोग इसको स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अपने हर पार्क में ये प्रोवाइड कर रहे हैं जी जी, कि जो भी हमारा बरसात का पानी है वो नीचे जमीन में जाए और फिर से हमारा वाटर अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहे। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू सर। संजय जी की बातों को समराइज अगर मैं कर पाऊँ तो जो भी पानी हमारे जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ से होता हुआ, जो आपके रूफ़ वाटर हुआ, आपके बाउंड्री वॉल का वाटर हुआ, आपके रोड का वाटर हुआ, वो वहाँ से होता हुआ, मैनहोल से होता हुआ, जो इन रोडों के अंदर ऑलरेडी, ये देखिए ये बिल्कुल फाइनल रोड टच इसमें हो गया है। ये अभी मैं प्लॉट नंबर D1 के सामने हूँ, D1 और D2 पॉकेट 2 का। तो यहाँ पे ये सारा आएगा और ये पानी उन सिस्टम के थ्रू होता हुआ, ये देखिए एक ओपन भी किया गया है, ये ऐसे होता हुआ ये हमारे इस चैम्बर में आ जाएगा। और इस चैम्बर में एक ओवरफ्लो का पाइप लगा होगा जो कि कनेक्टेड होगा ये बड़े वाले रिचार्ज पिट से, तो वो उसमें आ जाएगा। इसमें पेवर्स वगैरह जो पत्थर होते हैं, जो कि जो प्रोसेस है बनाने का रिचार्ज पिट, आप लोग उसको यूट्यूब भी कर सकते हैं, तो उसके तहत जो है जो पानी है वापस से हम लोग नेचर को वापस से हम लोग उसको वापस से पहुंचा देते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है जब भी हमारा इसमें ये जो पूरी पार्क आप देख रहे हैं आगे है ना, इस पूरे पार्क को वाटरिंग करने के लिए और जो पेड़ लगे हैं हमारे फुटपाथ पे उनको वाटरिंग करने के लिए ये हम यूज़ कर पाएंगे। सो दिस इज़ द इंटायर सिस्टम जो कि हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश करके पिंटेल में दे रहे हैं। ये हमारे हर कॉलोनी में है, हर ब्लॉक में है, और इस जगह पर ये वापस से, ये जगह सिर्फ रिचार्ज पिट के लिए नहीं है, दिस प्लेस इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर बास्केटबॉल कोर्ट। तो अभी रिचार्ज पिट इसके अंदर में रहेगा, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड हैं। तो वापस से धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।